सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज से हम UGC नेट पेपर फर्स्ट 20 डेज क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट करने वाले हैं। इसके अंदर जैसे कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक क्या है और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में पता करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम ब्लूम टैक्सोनॉमी, लेवल ऑफ टीचिंग, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपके बहुत से कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और हमें पेपर फर्स्ट के लिए सभी कॉन्सेप्ट रिविज़न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि टीचिंग क्या है, यानी कि शिक्षण क्या है, इसको हम बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए टीचिंग के अंदर जो सबसे पहली बात आती है वो ये है दोस्तों, शिक्षण पूर्णतः एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि टीचिंग जो है वो एक सोशल एक्टिविटी है। अब देखिए ये किस तरीके से है कि हम जो टीचिंग है वो कहीं से भी कैसे भी किसी भी तरीके से सीख सकते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी स्कूल में जाए तभी हम सीखेंगे, क्लास लगाएं तभी हम सीखेंगे। जैसे कि हमने देखा है कि एक छोटा सा बच्चा है वो भी अपने समाज से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, जब वो खेलता है आता जाता है तो वो बहुत कुछ चीज़ें सीखता है। और अब देखिए जैसे हमने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने वो कभी ज़्यादा स्कूल में नहीं गए लेकिन उन लोगों को हमसे ज़्यादा ज्ञान होता है क्योंकि वो समाज के अंदर रहे हैं और वहाँ से उन्होंने टीचिंग ली है, यानी कि अपने आप उन्होंने सीखा है समाज को देख देख के। तो जो टीचिंग है, टीचिंग कहीं भी कैसे भी किसी भी तरह से हो सकती है। और अब देखिए हम वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो वर्तमान में शिक्षण को त्रिध्रुवीय संरचना के रूप में स्वीकार किया गया है। अब देखिए अब यहाँ पे टीचिंग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैंने एक चीज़ तो बताई कि आपको हम कहीं भी कैसे भी सीख सकते हैं और दूसरा जो हम सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं दोस्तों, वो हम एक टीचर के थ्रू सीखते हैं। अब देखिए अगर हम समाज में सीख रहे हैं, ठीक है, समाज में तो क्या है कि हम हो सकता है कि एक चीज़ है वो हो सकता है एक साल के अंदर जाके सीखे, यानी कि जब हम उसको एक्सपीरियंस करें तब जाके उसको हम सीखें। लेकिन दूसरा क्या है कि हम एक क्लास के अंदर जाएंगे, वहाँ पर हमें टीचर बताएगा तो हम जल्दी सीख जाएंगे। अब एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, उससे आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। अब देखिए अब यहीं पे एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, हम रिसर्च का एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। मैंने आपको रिसर्च करवाई, 10 दिन रिसर्च करवाई, तो उसमें आपको पता चल गया, पूरी की पूरी जो रिसर्च है वो आपको पता चल गई क्योंकि मैंने आपको टीच किया, एक टीचर के तरह मैंने आपको टीच किया तो वो आपको पता चल गई। और दूसरे तरीके से अगर आप वो अपने आप सीखने की कोशिश करते तो हो सकता है आप 50 वीडियो देखते, पता नहीं कितनी वीडियो देखते, हो सकता है वो चीज़ आपको 5 दिन में भी आ सकती थी और वो आपको 50 दिन में भी आ सकती थी, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं थी। लेकिन जब एक टीचर सिखाता है दोस्तों तो उसके अंदर क्या होता है कि एक सिस्टम होता है, एक टाइम लिमिट होती है और उसमें एक तरीका होता है सीखने का। तो एक्चुअल मायने में देखा जाए तो टीचिंग इसे कहते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से जो हमें कुछ सिखाए, कोई नई चीज़ें सिखाए या हमें इम्प्रूवमेंट करे तो उसे हम क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। और टीचिंग के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों, ये त्रिध्रुवीय माना जाता है और इसके अंदर 3 बातें मुख्य रूप से आती है। एक होता है शिक्षण, यहाँ पे शिक्षक भी आ सकता है, यानी कि जो हमें सिखा रहा है, यानी कि टीचर सबसे पहले आएगा, टीचर यानी कि जिससे हम सीख रहे हैं। अब टीचर ये नहीं है कि कोई आदमी हो, इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हो सकती है, जैसे कि कंप्यूटर में रिकॉर्डेड वीडियो है या कुछ और चीज़ें हैं। यानी कि सबसे पहली चीज़ है कि जो शिक्षण है, यानी कि जिससे हम सीख रहे हैं। दूसरा है शिक्षार्थी, यानी कि जो बंदा सीख रहा है वो हो गया। तीसरा आता है पाठ्यक्रम, सिखाने के प्रयास किए जाते हैं। यानी कि तीसरा चीज़ क्या है कि दोस्तों हमारे पास जो पाठ्यक्रम है, जो हमारे पास स्टडी मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है। तो इसमें से एक क्वेश्चन पहले आया है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और इसके अंदर और भी काफ़ी तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण सबसे प्रमुख है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण शब्द शिक्षा से बना, जिसका अर्थ है शिक्षा
प्रदान करना। तो यहाँ से दोस्तों आप बेसिक चीज़ें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमने बताई है इंग्लिश और हिंदी में, दोनों में बताई है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब एक चीज़ आती है दोस्तों कि डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। अब देखिए परिभाषा, टीचिंग की परिभाषा क्या है, इसमें से एक दो बार क्वेश्चन आए हैं तो ये आपको देखना ज़रूरी है। ये हमने इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है, यहाँ पे हमने इंग्लिश में दिया है और ऊपर हमने हिंदी में दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ल्ड बुक ऑफ इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार, इसके अनुसार क्या है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान कौशल तथा अभिरुचियों को सिखाने या प्राप्त करने में सहायता करता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक बंदा दूसरे बंदे को ज्ञान कौशल और अभिरुचियों को या तो सिखाता है या फिर दूसरे से सीखता है, आदान प्रदान कर। अब अगली परिभाषा आती है दोस्तों हमारे पास एडमंड एमिडोन की, इनके अनुसार क्या है, शिक्षण एक अंत प्रक्रिया जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है और क्या होता है, जो शिक्षक एवं छात्रों के मध्य परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं के माध्यम से घटित होती है। अब देखिए इसे हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि टीचिंग एक्चुअल मायने में क्या है, टीचिंग वो है जिसके अंदर हम किसी क्लास के अंदर बैठ के कोई एक सिस्टमेटिक ढंग से अच्छे ढंग से हमें सिखा रहा है, तो वो क्या है, वो एक टीचिंग है, यही चीज़ इन्होंने कही है। तो ये जो परिभाषा है दोस्तों आप देख लेना, क्योंकि इनमें से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, थोड़ा सा ये पीडीएफ कन्वर्ट करने में थोड़ी दिक्कत, पता नहीं कैसे हो गई ये जो लाइन है यहाँ आ गई। चलो हम अपने कंटेंट पे ध्यान देते हैं कि शिक्षण, अब देखिए गेज के अनुसार शिक्षण एक प्रक्रिया का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। यानी कि शिक्षण के अंदर हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं ना हम जिसको सिखा रहे हैं तो उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आए, यानी कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो, तो ये सारी चीज़ें होती है। और भी यहाँ पे दो और ये दी हुई है दोस्तों परिभाषा, ये दोनों आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लेना। और यहाँ पे हमने इंग्लिश में भी दिया, अगर कोई बात हिंदी में समझ में ना आए तो। अब बात आती है दोस्तों शिक्षण की विशेषताएं। अब देखिए इसमें से भी क्वेश्चन आए कि शिक्षण की विशेषताएं क्या होती है। अब देखिए इसमें देखते हैं, शिक्षण बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। अभी जो हमने बात कही कि जो बच्चा है उसमें हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसे कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि हमारा जो टीचिंग है उसका एक उद्देश्य होता है, उसका एक एम होता है कि हमें क्या सिखाना है। ऐसे नहीं है कि मन में आया वही पढ़ा दिया, नहीं ऐसा नहीं है। शिक्षण सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया, शिक्षण जो है वो सोशली भी है और व्यावसायिक यानी कि जिससे हम कुछ अपना रोजगार उत्पन्न कर सकते वो भी है। शिक्षण के अंदर दोनों तरह की चीज़ें आती है। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण से क्या है कि हमारा विकास होता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति है वो बढ़ती है। शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। अब देखिए शिक्षण जब हम करते हैं तो हमारे अंदर काफ़ी तर्क वितर्क होते हैं, यानी कि आर्ग्यूमेंट होते हैं कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे क्यों है, वो वैसे क्यों नहीं है, इस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट करते हैं। आर्ग्यूमेंट करने की जो हमारी संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया है। अब देखिए ये थोड़ा सा ओल्ड बात इन्होंने थोड़ी सी कह दी कि शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया पहले होता था, लेकिन आज के टाइम में हम जैसे कि मोबाइल से पढ़ सकते हैं, आप जैसे अब मोबाइल से पढ़ रहे हो तो मैं आपके सामने नहीं हूँ, मैं मेरा दूसरा काम कर रहा हूँ, तो ये पहले की परिभाषा हम कह सकते हैं, पहले का गुण। शिक्षण प्रेरणात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण हमें प्रेरणा देती है आगे बढ़ने की। शिक्षण एक कुशल निर्देशन है, शिक्षण हमें अच्छे तरीके से डायरेक्शन देता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब देखिए शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया है। अब देखिए औपचारिक और अनौपचारिक मैंने आपको बताया था कि इनफॉर्मल और फॉर्मल क्या होती है। फॉर्मल के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर हम अच्छे से कम्युनिकेट करें, और इनफॉर्मल ये होते हैं कि जिसमें हम अच्छे से कम्युनिकेट ना करें। तो ये दोनों तरह की प्रक्रिया होती है, क्योंकि अब देखिए जैसे कि मान के चलिए मैं आपको अभी YouTube के ज़रिए पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कई स्टूडेंट ये एक मिनट की वीडियो देख के चला जाए, यानी कि अनौपचारिक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करे, और दूसरे है कि वो हो सकता है वो कमेंट भी करे, अच्छे से पढ़े भी, सारी चीज़ करे, तो वो होगी फॉर्मल। तो इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं। अब आगे आती है दोस्तों टीचिंग अवधारणा, या फिर शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। अब इसके अंदर क्या होता है कि एडमस
महोदय के अनुसार शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दो व्यक्ति सम्मिलित है। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि शिक्षण है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है और इन्होंने द्विमुखी प्रक्रिया बताई है। तो हर जो थिंकर है उसकी अलग अलग डेफिनेशन हम कह सकते हैं, उनके सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब देखिए शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण कहाँ कहाँ से प्रभावित होता है, कैसे कैसे प्रभावित होता है, इसमें देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं, अब देखिए, अब क्लास के अंदर बच्चे सभी तरह के होते हैं, बच्चे, एक बच्चा कमज़ोर हो सकता है, एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो, जिसको थोड़ा सा बताए वो बहुत कुछ सीख जाए, और दूसरा बच्चा जल्दी से ना सीखे। तो ये होगी व्यक्तिगत भिन्नताएं। शिक्षण उद्देश्य, हमारा शिक्षण उद्देश्य भी होता है कि हमें क्लास में इन 10 बच्चों पे ज़्यादा फोकस करना है, ये भी हो सकता है, हमारा उद्देश्य क्या है उससे भी। नियोजित कार्य, नियोजित कार्य की हम, ये भी हो सकता है कि हमें किस तरीके से पढ़ाना है। अब देखिए, जैसे कि हम मान के चलते कि मैं कहूँ कि मेरी 2 दिन में एक वीडियो आएगी, तो वो क्या होगी, उससे हमारी जो टीचिंग है वो स्लो हो जाएगी। और वातावरण का प्रभाव, अब वातावरण का भी बहुत प्रभाव होता है, अगर हम टीचिंग कर रहे हैं और साइड में बहुत शोर आ रहा है, ट्रैफिक का और काफ़ी तरह का, तो काफ़ी डिस्टरबेंस होगी, अच्छे से टीचिंग नहीं होगी। शिक्षण की कुशलता, जो हमारा शिक्षक है जो हमें पढ़ा रहा है उसमें कितनी योग्यता है वो होगी। सहायक सामग्री का उपयोग, यानी कि जो टीचिंग यानी कि जो हम पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो कितना अच्छा है, उस पर भी हमारी टीचिंग डिपेंड करती है। अब देखिए शिक्षण के सिद्धांत क्या है, शिक्षण के सिद्धांत काफ़ी तरह के सिद्धांत है दोस्तों, इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। अब देखिए शिक्षण जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, जो हमारा शिक्षण है वो हमारे जीवन से संबंधित होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो हमारे ज़िंदगी में आगे काम आए। उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, यानी कि जिससे हमारा कुछ उद्देश्य पूरा होता हो ऐसी हमारी टीचिंग होनी चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि जिससे हम आगे बढ़ सके, आगे काम कर सके, क्रियान्वित रहे, यानी कि क्रिएटिव रहे, ये हम कह सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, और इसके अंदर क्या होता है कि हम किसी हम और लोगों से कुछ अलग बन सके, यानी कि जो लोग सीख नहीं रहे हैं उनसे ज़्यादा हमारे अंदर एडवांटेज आए। तो ये काफ़ी तरह की यहाँ पे सिद्धांत दिए दोस्तों, ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इनमें अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, एक इसमें से क्वेश्चन आता है दोस्तों, शिक्षण सूत्र में से क्वेश्चन आता है, एक दो बार क्वेश्चन आया है कि इसका क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से कठिन की ओर। अब देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, अब देखिए हमें कोई चीज़ पता है, एक छोटी सी चीज़ पता है, और उस चीज़ को इस्तेमाल करके हम बड़ी चीज़ निकाल के लेके आए। अब हम सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स था, ठीक है, उसके अनुसार उसको वो एक छोटी सी चीज़ पता थी, उसके बाद हमने हवाई जहाज़ उड़ाया, ठीक है, यानी कि जो चीज़ हमें थोड़ी सी पता है और उसके बेस पे हम बड़ी चीज़ खोजे तो उसे हम कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। फिर है सरल से कठिन की ओर, अगर हम कोई काम सरल तरीके से कर रहे हैं और कोई दूसरा काम है वो बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा है, तो उसको हम किस तरीके से आसान बना सकते हैं, तो ये है। प्रत्यक्ष से प्रोक्ष की ओर, अब देखिए प्रत्यक्ष और प्रोक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है जो हमारे सामने बिल्कुल अच्छे से दिखे, यानी कि जो सच होता है ना, सच से असत्य की ओर हम ये चीज़ कह सकते हैं। संपूर्ण से अंश की ओर, यानी कि जो चीज़ हमें एक बड़ी चीज़ पता है, ठीक है, कि हवाई जहाज़ उड़ता है, तो उस हवाई जहाज़ में क्या क्या सिद्धांत लगे हैं, किस तरीके से उड़ता है, और उनके सिद्धांतों को यूज़ करके हम और अपने ज़िंदगी में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या और नई डिवाइस बना सकते हैं, तो वो होता है दोस्तों। और ये सारी चीज़ आप एक बार देख लेना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आया है, और भी इसमें कई चीज़ें हैं दोस्तों, ये आप पढ़ सकते हैं, जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो ये चीज़ें भी पूछी जाती है। और अब आगे आता है दोस्तों हमारे पास शिक्षण उद्देश्य, यानी कि हमारा जो हम टीचिंग कर रहे हैं उसका एम क्या होना चाहिए, ठीक है, वो हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, हम इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं।
टीचिंग टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। अब ये बात हमने कितनी बार पढ़ ली दोस्तों कि हम टीचिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो स्टूडेंट है उसके बिहेवियर में चेंज लेके आना। और ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों ये कम से कम 3 बार आज तक आ चुका है कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है। इसका सबसे मेन उद्देश्य है जो हम जिसे हम सिखा रहे हैं उसके व्यवहार में परिवर्तन आए, पॉजिटिव परिवर्तन आए, ठीक है। और ये है अगला हमारा टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट। अब जो उसने जो आज तक पढ़ा है उसमें किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो है। आगे है ट्रेनिंग शार्पिंग बिहेवियर एंड कंडक्ट। अब देखिए जैसे हमारी ITI वगैरह होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाते हैं उनको, व्यावसायिक तरीके से हम चीज़ें बनाना सिखाते हैं, मोटर गाड़ी वगैरह ठीक करना सिखाते हैं, तो उनकी जो बिहेवियर है उनको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान को प्राप्त करने की हम उनके अंदर आदत डालते हैं कि किस तरीके से ज्ञान को प्राप्त किया जाए। और फॉर्मेशन ऑफ बिलीव, अब देखिए शिक्षण के द्वारा टीचिंग के द्वारा हम विश्वास जगाने की बात करते हैं। अब देखिए जो पहले जो होता था हमारे क्या होता था कि कोई भी जैसे बीमारी हो गई कुछ भी हो गया तो लोग सोचते थे कि इसमें तो भूत घुस गया है, इसमें तो ये हो गया, माता आ गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन उस टाइम लोग ये नहीं मानते थे कि ये एक बीमारी है। लेकिन आज के टाइम में जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं तो हमारा जो अंधविश्वास है वो ख़त्म होता जा रहा है और जो साइंस है उसके अंदर हमारा विश्वास बढ़ रहा है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ यानी कि हमारा जो विश्वास है वो बढ़ता जा रहा है टीचिंग के ज़रिए। दोस्तों हमने पहले की वीडियो में शिक्षण उद्देश्यों के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था, आज हम इसके बारे में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए B.S. ब्लूम टैक्सोनॉमी ने इसके बारे में क्या कहा था शिक्षण उद्देश्यों के बारे में। इन्होंने शिक्षण उद्देश्यों को वर्गीकृत करने की कोशिश की थी, इसको डिवाइड करने की कोशिश की थी कि हमारे जो शिक्षण उद्देश्य हैं उसको किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है, यानी कि जो B.S. ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो किससे संबंधित है, शिक्षण उद्देश्यों को डिवाइड करने से संबंधित है। और यह नाम बेंजामिन ब्लूम के नाम पर रखा गया है जो उक्त वर्गीकरण सुझाने वाली समिति के अध्यक्ष थे। और ये कब रखा गया था, ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में बनाया गया था और इसके निर्माता महान शैक्षिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम हैं। इनका उद्देश्य क्या था दोस्तों, इनका उद्देश्य क्या था, टैक्सोनॉमी का मतलब है वर्गीकरण, यानी कि टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, वर्गीकृत करना। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी शिक्षा को सीखने के रूपों 70 के वर्गीकरण का एक प्रयास है। अब देखिए यहाँ पे शायद आपको समझ में ना आ सके लेकिन हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि टैक्सोनॉमी ने क्या किया था, शिक्षण जो उद्देश्य उसको 3 भागों में बांटने की कोशिश की थी। इन्होंने क्या किया था कि इनका वर्गीकरण 3 भागों में किया, शिक्षा का जो वर्गीकरण है उसको 3 भागों में डिवाइड किया, कोग्नेटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। अब देखिए अब ये तीनों डोमेन क्या, डोमेन के बारे में हम पढ़ेंगे समझेंगे कि इन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया था शिक्षा को। अब सबसे पहला जो चीज़ आती है, सबसे पहली जो डोमेन आती है वो ज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि कॉग्निटिव डोमेन आती है। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा था, ज्ञान यह मुख्य रूप से किसी भी चीज़ या बात को याद रखने से संबंधित होता है। अब देखिए हमारी जो शिक्षा है वो 3 तरह से डिवाइड किए इन्होंने। सबसे पहली जो है वो ज्ञान क्षेत्र यानी कि जो भी शिक्षा होती है सबसे पहले हम शिक्षा से क्या करते हैं, हम नॉलेज लेते, ज्ञान अपने ज्ञान को इनक्रीज करते हैं और उसके बाद में बोध, इस लेवल पे व्यक्ति किसी भी बात अर्थ समझने की कोशिश करता है, ठीक है। और उसके बाद में प्रयोग, यह लेवल किसी भी ज्ञान को मूर्त रूप यानी कि व्यवहारिक रूप से प्रयोग करने की कोशिश करता है इसके अंदर। और फिर आता है विश्लेषण, यहाँ पे व्यक्ति अपने ज्ञान का विश्लेषण करता है यानी कि एक एक बात को बारीकी से समझने की कोशिश करता है, उसको उसका यानी कि पूरा एनालिसिस करता है उस बात का। और आगे आता है संश्लेषण, अब संश्लेषण में क्या होता है, इस सत्र पे व्यक्ति अपनी सभी बातों और ज्ञान को इकट्ठा करके अपनी एक राय या विचार बनाने की कोशिश करता है।
इसका हम विश्लेषण के विपरीत भी समझ सकते हैं, यानी कि उसने जो भी नॉलेज इकट्ठी की है उसके हर एक पॉइंट को जोड़ता है और वो कुछ राय विचारधारा बनाने की कोशिश करता है। फिर आता है मूल्यांकन। इस सत्र पे व्यक्ति अपने ज्ञान और तौर तरीकों का मूल्यांकन करने की कोशिश करता है। अब देखिए यहाँ पे जो पहली जो डोमेन है उसके अंदर क्या है कि वो ज्ञान, यानी कि ज्ञान हासिल करता है, और ज्ञान के अंदर काफ़ी तरह की चीज़ें आती है, किस किस तरह से वो ज्ञान हासिल करता है तो वो यहाँ पे सभी दी हुई है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आता है हमारे पास अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावात्मक क्षेत्र। इसके अंदर क्या होता है ये देखिए, आग्रहण सबसे पहले, रिसीविंग, इसमें व्यक्ति सबसे पहले सुनने या समझने की भावना रखता है। अब देखिए क्लास के अंदर काफ़ी बच्चे बैठे होते हैं तो उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी बच्चे ध्यान से सुने, ठीक है, और हो सकता है कोई खेल रहा हो और कोई बच्चा पूरे ध्यान से उस लेसन को सुन रहा हो, टीचर को सुन रहा हो, तो इसके अंदर क्या होता है भावात्मक क्षेत्र, इसमें व्यक्ति सबसे पहले सुनने या समझने की भावना रखता है, फीलिंग रखता है। और फिर है अनुक्रिया, रिस्पॉन्स, जो ज्ञान व्यक्ति ने पाया है उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, ठीक है। अब जैसे हमने पहले बात की थी ज्ञानात्मक क्षेत्र, ज्ञान के अंदर केवल ज्ञान वो हासिल करता है, और यहाँ पे क्या करता है कि जो उसने ज्ञान हासिल किया है उसको रिस्पॉन्स करता है, जैसे टीचर ने कुछ बात कही है तो उसके मन में कोई सवाल आया तो वो जवाब सवाल पूछेगा, उनसे क्वेश्चन करेगा, यानी कि उनको रिस्पॉन्ड करेगा। उसके बाद आता है अनुमूल्यन, वैल्यूइंग, इसके अंदर व्यक्ति देखता है कि जो ज्ञान उसने पाया है वो कितना लाभदायक है, उसके जीवन में क्या महत्व है, यानी कि उसका उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता है। उसके बाद आता है प्रतिकरण, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, यानी कि उसको अपने कॉन्सेप्चुलाइजेशन का, अब इसका सही से मीनिंग मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, प्रत्यकरण का मतलब भी कुछ कुछ ऐसा होता है कि उसको यूज़ करने की कोशिश करता है। और फिर है गठन व्यवस्थापना, यानी कि जो उसने ज्ञान हासिल किया है और जो उसने यहाँ पे परख के देखा है, उसका मूल्यांकन किया है, उसको उसकी वैल्यू निकाल के देखी है, तो उसका वो क्या करता है कि गठन करता है, वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। फिर चरित्र निर्माण, अब ये भी वही बात आ गई कि जो ज्ञान उसने हासिल किया उससे उसका चरित्र निर्माण होगा, वैसा ही उसका व्यवहार बनेगा। और आगे आता है दोस्तों, आगे है हमारा क्रियात्मक क्षेत्र। अब देखिए क्रियात्मक क्षेत्र में क्या होता है, साइकोमोटर डोमेन, इसमें क्या होता है इसका, इसको मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, मनोप्रेरक नामों से भी जाना जाता है। अब ये देखिए हिंदी में ऐसे ऐसे नाम होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पता होना ज़रूरी है, एटलीस्ट आपको इंग्लिश में तो पता होना ही होना चाहिए। अब देखिए अगर मान के चलो पेपर के अंदर ये नाम आ गया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं ये क्या कौन सी डोमेन है, तो आपको इंग्लिश में पता होना ज़रूरी है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, उद्दीपन, इम्प्लुएशन, इसमें किसी व्यक्ति के कौशल को देखकर अपने आप में डालने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, यानी कि किसी को देख के प्रेरित होना, तो और उससे प्रेरित होके अपने अंदर चेंज लेके आना, अपने अंदर वो चीज़ सीखने की कोशिश करना। कार्य करना, हस्त कौशल, यानी किसी उपकरण या मशीन के द्वारा प्रयोग कर अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ाना। उसके बाद आता है परिशुद्धता, इसके अंदर क्या होता है, इसमें जब कोई व्यक्ति एक ही काम को बार बार करता है तो उसमें वो महानता हासिल कर लेता है। और फिर है स्पष्ट अभिव्यक्ति, यह भी व्यक्ति के निरंतर अभ्यास पर निर्भर करती है, यानी कि जब वो कोई बात बार 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 सुनेगा करेगा तो उसके बारे में एक उसकी स्पष्ट राय बन जाएगी कि ये काम करने से ये होता है, ठीक है। और फिर आता है नेचुरलाइजेशन, इसमें काफ़ी तरह की बातें आती है, जैसे कि व्यक्ति अपने कौशल को अच्छे से पहचानने की कोशिश करता है, अपने काम में सुधार करता है, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो हमारी तीन तरह की चीज़ें थी, तीन डोमेन थी, तो शायद मेरे को लगता है कि आप अच्छे से समझने की कोशिश की होगी और मैंने भी अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको। फिर भी अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आगे हम देखते दोस्तों, एक और हमारी चीज़ बचती है,
इनके अलावा एंडरसन और करतवल ने एक और विशेष आयाम का जिक्र किया है, मेटा कॉग्निटिव। अब देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसमें से पहले करीब दो बार क्वेश्चन आ चुके, अब की बार भी आने की संभावना है, किसी विशिष्ट शिफ्ट में आ सकता है। इसमें देखिए, इसको एंडरसन ने ज्ञान का ज्ञान कह के संबोधित किया है, यानी कि हम ज्ञान को प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, हम ज्ञान की प्राप्ति किस तरीके से कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मेटा कॉग्निटिव कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अब अगला आता है दोस्तों हमारे पास शिक्षण के स्तर, यानी कि लेवल ऑफ टीचिंग। अब देखिए, मुख्य रूप से लेवल ऑफ टीचिंग तीन तरह के होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। अब देखिए, इसमें से भी क्वेश्चन आने की संभावना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहला आता है हमारे पास स्मृति लेवल, यानी कि मेमोरी लेवल। यह शिक्षण अधिगम का सबसे पहला चरण है, इसके बारे में सबसे पहले हर्बर्ट ने बताया था। ये हमारा कौन सा सबसे पहला लेवल है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। यह स्तर किसी भी ज्ञान को अभ्यास करने और उसे कंठस्थ करने के लिए प्रेरित करना है। कंठस्थ मतलब यानी कि उसे याद करने के लिए प्रेरित करता है। मूल्यांकन प्रणाली में इस स्तर पर विशेष रूप से लिखित, मौखिक और निबंध प्रश्नों को शामिल किया जाता है। और फिर आता है स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल के अंदर इसके मुख्य लक्षण क्या है, कि मुख्य लक्षण ये है कि इस दौरान बच्चे में कुछ भी सीखने की तीव्रता होती है और जो उसने सीखा है उसको लंबे समय तक याद रखने की कोशिश करता है, जरूरी बातों को बार बार दोहराता इत्यादि शामिल होता है। मेमोरी लेवल यानी कि जिसके अंदर हम अपने मेमोरी का यूज़ करें, उसको याद करने की कोशिश करें, उसे लंबे समय तक याद रखने की कोशिश करें, तो वो होता है मेमोरी लेवल। और इसमें और भी काफ़ी तरह की, जैसे ये बात मैंने बताई है, आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि इन्हीं में से जो एग्जामिनर है वो घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देता है। अब आगे देखते दोस्तों, आगे आता है हमारे पास ग्रहण, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि समझ वाला लेवल। इस लेवल पर बच्चा प्राप्त ज्ञान को अच्छे से समझने की कोशिश करता है, इसके बारे में सबसे पहले मॉरिसन ने बताया था। ठीक है, यानी कि बच्चा जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा जो उसने ज्ञान हासिल किया है। उसके बाद में यहाँ पे बच्चे का बौद्धिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। बच्चा किसी भी चीज़ या ज्ञान के सिद्धांत, परिभाषा, अवधारणा इत्यादि को सामान्य रूप से समझने की कोशिश करता है, जैसे जहाज़ कैसे उड़ता है, प्रधानमंत्री कौन होता है और कैसे बनता है इत्यादि। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझने की कोशिश करता है, उसके अंदर काफ़ी तरह की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यह विद्यार्थी और शिक्षक दोनों में किसी भी ज्ञान को अच्छे से आत्मसात, यानी कि ज्ञान को अच्छे से समझने की क्षमता विकसित करता है। अब देखिए, बच्चा जब बार बार क्वेश्चन पूछेगा, उसके अंदर जिज्ञासा होगी, तो उसकी जो समझने की जो एबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी, उसका जो समझने का स्तर है वो बढ़ता जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, कि मूल्यांकन प्रणाली में विशेष रूप से छोटे प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंध प्रकार के प्रश्न शामिल किए जाते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, आगे जो हमारा लास्ट आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि विमर्श, चिंतन सत्र, यानी कि जहाँ पे हम जो हमने ज्ञान हासिल किया है, जो समझा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उस पर विचार करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, इसको शिक्षण का उच्चतम सत्र माना जाता है, इसके बारे में हंट ने बताया था। अब देखिए, ये तीनों जो सत्र है इनके बारे में अलग अलग जो थिंकर हैं उन्होंने बताया था, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और चिंतन सत्र मुख्य रूप से स्मृति सत्र और अवबोधन सत्र पर निर्भर करता है। अब देखिए, ये जो चिंतन सत्र है, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये हमारा कहाँ पे निर्भर करेगा, ये हमारे सबसे पहले मेमोरी लेवल पे डिपेंड करेगा कि हमने कितना ग्रहण किया है, उसे कितना ग्रहण किया है। और उसके बाद में अवबोधन सत्र, यानी कि उसको हमने कितना समझने की कोशिश की है, उसको कितना हमने अंडरस्टैंड किया है। इस स्तर पर शिक्षण की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस स्तर पर बच्चे की सोचने की क्षमता को विकसित किया जाता है, ताकि वह अपने जीवन की समस्याओं को आसानी से सुलझा सके। और उसके बाद है मूल्यांकन प्रणाली में इस स्तर पर निबंध प्रश्नों के साथ साथ विचार, भागीदारी और मनोवृत्ति को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब क्या होता है, कि जो हमने ज्ञान हासिल किया है, जो प्रयोग किए हैं, जो भी हमने किया वो हम रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि अपनी ज़िंदगी में उसे उतारने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे जो मुख्य रूप से तीन लेवल ऑफ टीचिंग थे और ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर फिर भी आपका कोई भी सवाल जवाब है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई बात समझ में ना आई हो तो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.